आप सभी को नमस्कार मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे एकदम स्वस्थ होंगे थोड़ा <coughs> तो सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पाँच दस मिनट लेट हो गया तो क्लास है एकदम कोई दिक्कत नहीं है क्लास होगी ही होगी क्लास हर हाल में होगी आपको मैं अभी क्या करवा रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं तो मैं एक बार बता दूँ बस कि अभी आपको मैं नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन करा रहा हूँ ये आपके मैथ का बहुत बड़ा पार्ट है अभी आपको मैं नंबर सिस्टम इसको शॉर्ट में बोलते हैं एन एस एस नंबर सिस्टम एंड सिम्प्लीफिकेशन ये बहुत बड़ा पार्ट है कम से कम इसकी कम से कम कर रहा हूं मैं लगभग लगभग समझ लीजिए अठारह से बीस क्लासेज की लगने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ओरिजिनल मैथ होता है और उसके बाद फिर हम चैप्टर पे चलेंगे इसमें छोटे 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 और बड़े बड़े कई टॉपिक्स होते हैं देखिए आपका जो मैथ है वो तीन पार्ट में डिवाइड है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन अर्थमेटिक और एडवांस मैथ ठीक है मैथ रेलवे का मैथ जो है वो काफ़ी हैवी होता है ये मैं शुरू से आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों को पैसेंस रखना है और जो जो मैं कहते जाता हूँ आप करते जाइए कहता रहूँ एक एक क्वेश्चन बनेगा आपसे थर्टी का थर्टी क्वेश्चन ठोक के आओगे आप घबराओ मत ठीक है खाली जो मैं कह रहा हूँ उसको आप रोज़ करें रोज़ पढ़ें ये आसान नहीं है रोज़ पढ़ेंगे रोज़ मेहनत करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी तो नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन चल रहा है इसमें टॉपिक मैं पिछली क्लास में क्या करवाया था एक बार बता दूं अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या इसका थोड़ा सा पार्ट छूट गया था प्राइम नंबर प्राइम नंबर ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसके पिछले क्लास में मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था आज ये कंप्लीट हो जाएगा पंद्रह बीस मिनट की इसमें और क्लास है तब एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो पूरा पढ़ के आए होंगे मुझे उम्मीद है मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं अगर ये आपसे बन गया मैं एक से दो क्वेश्चन पूछूंगा अगर आपसे ये बन गया तो आप निश्चिंत रहें अभी तक प्राइम नंबर में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं है ये क्वेश्चन बना के देखिए ठीक है 124 124 का पावर 125 मल्टीप्लाई 109 का पावर 109 मल्टीप्लाई ट्रिपल सिक्स ट्रिपल सिक्स का पावर ट्रिपल टू आप बताइए इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं या कितने अभाज्य गुणनखंड हैं दोनों वहां देता है या तो अभाज्य संख्या दे देगा या अभाज्य गुणनखंड हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इतना या प्राइम फैक्टर्स दोनों में से कोई दे देगा बना के देखिए अगर ये बन गया तो ओके है आप दस सेकेंड का टाइम लीजिए तब आगे बढ़ेंगे इसमें कितनी अभाज संख्या है और जो स्टूडेंट्स बीच से ज्वाइन किए होंगे मान लीजिए रोज बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है मैं आपको बता दूं आप जब से ज्वाइन किए हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसके पिछले जितने भी क्लासेज मैंने दिए हैं अब तक वो सारा आपको देख लेना है मैथ और इंग्लिश ये कनेक्टेड होता है, है हमेशा ध्यान रखना आपको एकदम इसको जड़ से खोदना है और एकदम टॉप तक ले जाना है जो स्टूडेंट्स इसके पिछले क्लास नहीं देखे होंगे वो आपको समझ में भी नहीं आएगा इसमें क्या करना है तो पहले आपका काम है कि पिछले जितने मैंने क्लासेस दिए हैं सारा क्लास आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल लीजिए एक दिन में एक एक दो दो क्लास देख लीजिए ठीक है सारा कवर मैथ को कभी भी बीच से देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने पूछा है पिछली क्लास का एक बार मैं क्लियर कर दूं इसको देखिए मैंने आपको क्या बताया था जो अगर हैवी नंबर आ गया तो हैवी नंबर को ब्रेक करना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा मैंने जानबूझ के आपको हैवी नंबर दिया है मैं बहुत इजी इजी नंबर भी दे सकता था लेकिन पिछले क्लास में आप वो चीज सीख ली हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ट करते हैं क्योंकि आज के डेट में ना बेसिक कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए ये मैं कितनी बार बोला हूं वन तो 124, 124 को तोड़ लीजिए अगर माइंड काम नहीं कर रहा है तो ऐसे दो से दो छक्के बारह दो से दो थर्टी वन तो कितने प्राइम नंबर्स हो गए इसमें तीन एक दो तीन तो इसको क्या करेंगे मैं क्या बताया था जितने इसमें प्राइम नंबर्स होंगे जितनी आभास संख्याएं होंगी उसको क्या करना है आपको पावर से मल्टीप्लाई कर देना है तो पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा उसको गुना करेंगे तो तीन सौ प्लस वन एक खुद ही प्राइम नंबर है वन हंड्रेड वन वन हंड्रेड ये सब खुद ही प्राइम नंबर है तो ये सब पे आप माथा रखिएगा ठीक है ना इसको 10 बीस पचास तक आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें कि 109 खुद ही प्राइम नंबर है तो ये खुद ही प्राइम नंबर है जिसका मतलब क्या एक प्राइम नंबर है इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा वन जीरो नाइन अब ये आप याद करो पिछली क्लास में क्या बताया था ये ट्रिपल सिक्स कैसे तोड़ोगे ट्रिपल सिक्स को वन के टर्म में तोड़ोगे तो रोगे? इसको क्या लिख सकते हो सिक्स मल्टीप्लाई ट्रिपल वन अब सिक्स तो टूटेगा टू इंटू थ्री अब आपको याद होगा मैंने बोला था ट्रिपल वन भी टूटेगा इसको याद रखने के लिए बोला था ट्रिपल वन को किस में तोड़ेंगे ट्रिपल वन को किस में तोड़ेंगे थ्री मल्टीप्लाई थर्टी सेवन तो इसमें कितने हो गए वन टू थ्री फोर कितने प्राइम नंबर होंगे फोर इसको फोर से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा एट 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 अब आप सब इसको ऐड कर दो अब इसको ऐड कर दीजिए आंसर निकल जाएगा मैं एक मिनट में आ रहा हूं ठीक है आप लोग इसको ऐड कर लीजिए क्लियर है? इस सब को इस ऐड ऐड कर कर दीजिए, दीजिए नमस्कार आपका प्राइम नंबर्स निकल जाएगा एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं क्लियर है ना सबसे इसको ऐड कर लीजिए आपका आंसर निकला हुआ कितना हो जाएगा आठ नौ सत्रह, सत्रह सत्रह पांच कितना हो गया बाईस का दो हाथ में एक हो गया आठ आ

नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार पढ़ के आए हैं कि नहीं पूरा पिछले क्लास में मैंने सब बता दिया था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप समझे हैं तो ये पांच सेकेंड में बन जाएगा आपसे ट्रिपल टू ट्रिपल टू में कितने अभाज्य संख्याएं हैं कितने प्राइम नंबर्स हैं चंदन कुमार मुझे लग रहा है चंदन आप तो मॉर्निंग में मतलब लाइव नहीं आते हैं नाइन्टी परसेंट स्टूडेंट्स लाइव नहीं होते हैं वो आराम से देखते हैं कोई बात नहीं जब आप देखते हैं आराम से देखिए कोई दिक्कत नहीं खाली जब भी देखते हैं एक एक क्लास को कवर कीजिए अभी ये स्टार्टिंग ही है ये पार्ट बहुत बड़ा पार्ट होता है छोटी छोटे बड़े बड़े कई टॉपिक्स होते हैं ओरिजिनल मैथ है ये इसको जितना आप अच्छे से पढ़ सके अब फोर टू फाइव क्वेश्चन यहीं से आने हैं कभी कोई कुछ सेट में मैंने तो सिक्स से सेवन क्वेश्चन तक देखे देखिए मैं था तो, इसको मैं क्या बोला था आपको याद होगा इसको क्या लिख सकते हो आप टू ट्रिपल वन ट्रिपल वन ट्रिपल वन लिख सकते हैं आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये इसको लिख सकते हैं आप ये टू ट्रिपल वन ट्रिपल वन ट्रिपल वन लिख सकते हैं फिर इसको क्या लिख सकते हैं टू आ इसको क्या लिख सकते हैं वन थाउजेंड वन मल्टीप्लाई ट्रिपल वन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ये बोला था वन थाउजेंड के फॉर्मेट में तोड़ने के लिए लिख सकते हो आप इसको फिर मल्टीप्लाई करोगे ये मामूली प्रश्न नहीं है ये टॉप क्लास का क्वेश्चन है ये टॉप क्लास का क्वेश्चन है ये सब नहीं बना पाएगा और ये सब क्वेश्चन जब आपके सेट में अगर आए अगर आप ये बना लेते हो तो आप लाखों बच्चों को पीछे छोड़ के आप आगे निकल जाते हो मेरिट लिस्ट में क्योंकि ये मथे नहीं काम करेगा मैं पिछले क्लास में बताया था अब क्या है अब टू टू तो खुद ही एक प्राइम नंबर है टू तो खुद ही एक प्राइम नंबर है अब आप याद करो वन थाउजेंड वन को क्या बोला था तोड़ने के लिए मैं बोला था याद रखने के लिए वन थाउजेंड वन में कितने प्राइम नंबर होंगे सेवन इंटू अलेवन इंटू थर्टीन इसमें तीन प्राइम नंबर होंगे तो वन प्लस थ्री इसमें कितने प्राइम नंबर होंगे थ्री इंटू थर्टी सेवन कितने होंगे टू तो टोटल तो प्राइम नंबर इसमें कितने होंगे तीन एक चार दो प्राइम नंबर्स होंगे क्लियर है सिक्स प्राइम नंबर होंगे इसके टोटल ये फिर देखो ये सब चीजें आपको माइंड में फिट करनी पड़ेगी ये सब चीजें आपको रखना पड़ेगा अगर कहीं ट्रिपल वन है ट्रिपल वन को क्या लिख सकते हो थ्री मल्टीप्लाई थर्टी सेवन ट्रिपल वन के दो फैक्टर होते हैं थ्री मल्टीप्लाई थर्टी सेवन वन थाउजेंड वन है इसको क्या लिख सकते हो आप सेवन मल्टीप्लाई एलेवन मल्टीप्लाई थर्टीन इसमें तीन फैक्टर्स होते हैं कौन कौन ये भी जानना बहुत जरूरी है ये माथा फिट अब वन थाउजेंड का ही वर्जन है देखो पिछली क्लास में भी बताया था आपको ये सब चीजें कितने होंगे कभी इसी में भी पूछ सकता है ये पिछली क्लास का मैंने आपको ट्रायल दिया है दो क्वेश्चन पूछ लिया है कि आपको दिक्कत ना हो एक ट्रायल है ये और इससे आपको अपना एहसास भी हो जाएगा कि हम घर पे कितना पढ़ते हैं इससे ये भी पता चलता है ठीक है चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर का ही ये पार्ट है अगला ये प्राइम नंबर तीन पार्ट में है बता दिया था पार्ट वन पहले पार्ट टू और पार्ट थर्ड ये प्राइम नंबर आभा संख्या लास्ट है एक बार मैं कमेंट पढ़ लेता हूं आप लोगों का अच्छा कृष्णा राज अरे बड़ा प्यारा नाम है कृष्णा राज सर मेरा पहला दिन है फर्स्ट डे है कोई दिक्कत नहीं है देखो कृष्णा अगर पहला दिन है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अब तक मैं जितने क्लासेस दिया हूं वो सारे क्लासेज आप पहले वो देख लो ठीक है क्योंकि देखिए मैथ कनेक्टेड होता है अगर आपके मैथ का लेवल लो होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी आज के क्लास में क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक मैंने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था वही टॉपिक चल रहा है तो आप पहले वो देखें उसके बाद आप कोई दिक्कत नहीं आप पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल लीजिए और जितने अब तक मैंने क्लासेज दिया वो सारा क्लास आप देख लीजिए ठीक है और लाइव आते रहिए कोई दिक्कत नहीं लाइव आते हैं नहीं आते हैं उससे कोई मतलब नहीं है जब टाइम मिले तब देखिए रोज का रोज पढ़िए ठीक है चलिए अब देखो अब जो मैं बता रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये आजकल ये टॉपिक ये जो है ये जो पार्ट है ये ट्रेंडिंग में है पहले आज से पांच छह साल पहले यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे लेकिन अब यहां से क्वेश्चन बहुत धरेले से पूछता है खाली ध्यान से सुनना बनेगा दस सेकेंड के भीतर लेकिन बात को समझ नहीं क्वेश्चन अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया यहां पर पहले क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन दिया एक सौ एक सौ बीस 120 में पहले क्वेश्चन लिख लो 120 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं है कुल सॉरी 120 में कुल कितने कुल कितने गुणनखंड हैं है हैं 120 में कुल कितने गुणनखंड हैं कुल कितने गुणनखंड हैं हाउ मेनी हाउ मेनी फैक्टर्स हाउ मेनी टोटल फैक्टर्स टोटल लगा दीजिए इसमें हाउ मेनी टोटल फैक्टर्स हाउ मेनी टोटल फैक्टर्स आर देयर ऑफ 120 ट्वेंटी हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है मैं समझ रहा हूं चंदन 90 परसेंट स्टूडेंट्स लाइव नहीं होते हैं ये मुझे पता है इसीलिए हम आप लोगों को इतना आप मेरी मेरे कोई भी क्लास कभी भी आप वीडियो देख लीजिए आपको दिक्कत नहीं होगी इसकी मैं गारंटी देता हूं मुझे पता है कि आप लोगों को क्या क्या डाउट होता है वो पहले ही क्लियर करता हूं मैं कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ मैं एकदम जीरो से उठाता हूं और टॉप तक ले जाता हूं आपको कभी डाउट ही नहीं होगा हाँ किसी स्टूडेंट को अगर डाउट हो तो आप आके लाइव सेशन में दस मिनट का टाइम ले लीजिए लाइव सेशन में किसी दिन आके डाउट पूछ लीजिए ऐसे डाउट नहीं होगी अगर आप मेरी क्लासेज स्टार्टिंग से देखेंगे तो ठीक है तो क्वेश्चन क्या कर रहा है यहां ध्यान से समझिए क्वेश्चन कह रहा है कि 120 में कुल कितने गुणनखंड हैं हाउ मेनी टोटल फैक्टर्स आर देयर ठीक है ऑफ 120 या इन 120 टोटल फैक्टर्स निकालना है अभी तक आप क्या निकालते थे अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स इसमें क्या निकालना है टोटल अब ध्यान से जो देखना यहां से थोड़ा समझना टोटल फैक्टर्स निकालना है कभी कल ऐसे भी देता है 120 में कुल कितने धनात्मक गुणनखंड गुणनखंड है ऐसे भी दे देगा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव फैक्टर्स इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पॉजिटिव दोनों तरीके से देता है पॉजिटिव फैक्टर्स सीधे दे देगा कभी गुणनखंड बताओ फैक्टर बताओ और कभी कहेगा कि धनात्मक गुणनखंड बताओ पॉजिटिव फैक्टर्स बताओ दोनों चीजें सेम है अब देखो कैसे करोगे 120 को आप लोग पहले और 120 को तोड़ो तोड़ना पड़ेगा अभाज्य संख्या में तोड़ना पड़ेगा छोटे से छोटे में तो 120 का आप कोई भी फैक्टर ले लो जैसे आपको तोड़ना है आप ब्रेक कर सकते हैं पहले समझ लेना 120 का 120 का कोई भी फैक्टर्स ले लो आप जो मर्जी है आपको ले सकते हो देखो चालीस तिया एक होता है पहले एक तोड़ लो आप फिर इसको तोड़ दो छोटे से छोटे में तो चालीस को क्या लिख सकते हो आठ पंचे चालीस गुने लिख सकते हो फिर इसको तोड़ो प्राइम नंबर में तोड़ना है अब देखो आठ को क्या लिख सकते हो टू का पावर थ्री पावर के टर्म में तोड़ देना आठ को क्या लिख सकते हो टू का पावर थ्री फाइव का अगर नहीं पावर है तो क्या लिख सकते हो वन और थ्री का पावर कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हो वन ये पहले आया समझ में जो नंबर दिया रहेगा उसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है अभाज्य संख्या में तोड़ना है देखो ये टू क्या है प्राइम नंबर है फाइव क्या है प्राइम नंबर है और थ्री क्या है प्राइम ऐसे लाना है और उसको पावर में कन्वर्ट कर देना है आप ऐसे तोड़ सकते हो या आप ये देखो ये कैलकुलेशन के ऊपर निर्भर करता है आप अगर दिक्कत है तो आप ऐसे भी तोड़ सकते हो दो से साठ दो से तीस हर तरह की चीज़ें दो से तीन से तीन पाँच पंद्रह तो दो का पावर कितना हो गया तीन ऐसे भी तोड़ लो आप तीन का पावर कितना हो गया एक और पाँच का पावर एक ऐसे तोड़ लो या यहाँ पे कोई एक फैक्टर ले लो उस फैक्टर को छोटा से छोटा ब्रेक करते जाओ ऐसे भी तोड़ लो अब देखो अब आप पावर के टर्म में तोड़ दिए ना पावर के टर्म में तोड़ देना अब आपको क्या करना है यहां पर ध्यान देखो अब जो पावर है उसमें एक जोड़ते चले जाना यहां टू का पावर थ्री क्या है थ्री है इसमें एक जोड़ो तो क्या हो गया फोर पावर में वन जोड़ दो सबके पावर में वन ऐड कर दो इसका पावर वन है इसके पावर में भी वन ऐड कर दो मल्टीप्लाई टू इसके पावर में भी वन ऐड कर दो टू अब इसको मल्टीप्लाई कर दो फोर टू जाट टू जा सिक्सटीन इसमें टोटल कितने फैक्टर्स होंगे सिक्सटीन ये बात आई समझ में जो नंबर रहेगा उसको तोड़ देना है छोटे से छोटे में प्राइम नंबर में तोड़ देना छोटे छोटे का मतलब क्या प्राइम नंबर तोड़ देना और जितना पावर होगा पावर में ये याद रख लेना पावर में जो पावर है पावर में प्लस वन करते जाना है आई बात समझ में इसको आप नोट कर लें और अगला क्वेश्चन घबराना मत थोड़ी ये टिपिकल पार्ट होते हैं ठीक है बनेगा पांच से दस सेकंड में नोट कर लीजिए घबराना नहीं घबराना नहीं रुक जाइए अब देखो नोट कर लिए इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है पहला क्या पूछा कि 120 में कुल कितने गुणनखंड हैं है टोटल फैक्टर्स निकालना है अब दूसरा इसमें क्या पूछता है मैं यहीं पे दोनों टाइप का क्लियर करता हूं यहीं पे दूसरा क्या पूछेगा आपको समझ जाना है घर पे खूब प्रैक्टिस करना रोज का रोज पढ़ा करो अभी मैं आपकी रूटीन बहुत रिलैक्स बनाया हूं तो आपको पता होगा एक दिन गैप करके अल्टरनेट डेज में पढ़ाता हूं नोट कर लिया है कोई दिक्कत तो नहीं अब देखिए अब आपको क्या पूछेगा यहीं पर मैं इसको नोट कर लिया क्या आप लोग नोट कर लिया ना अब देखो अब आप आपको यहां पर क्या पूछेगा 120 के कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करें योग अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन को दूसरा वर्जन में लिख रहा हूं देखिए क्वेश्चन है 120 के सभी गुणनखंडों सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है योग निकालना है आपको द सम ऑफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 120 इज अब कहेगा कि एक सौ बीस के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ वन अब देखो तो अब यहां पहुंचते हैं ये देखिए आप ऐसे ही तोड़ लो पहले पावर वाला ये ले लो ऐसे ही यहां देखो अब ये यही उठाओ मैं वहां पर रख रहा हूं डायरेक्ट क्या था टू का पावर थ्री फाइव का पावर वन और थ्री का पावर वन यही थे यहां तक आपको पहुंचाना अगर टोटल पूछता तो पावर में वन कर करके क्या करते आप इसको मल्टीप्लाई कर देते आंसर निकल जाता टोटल अब पूछ रहा है कि जितने प्राइम फैक्टर्स हैं टोटल प्राइम कितने हैं इसमें सॉरी टोटल फैक्टर्स कितने हैं निकाला आपने उन सब का योग निकालना है सम निकालना है एड करना है तो अब देखो क्या करोगे ध्यान से देखते जाना ठीक है अब देखो अब इसको ऐसे लिखोगे योग निकालना है तो टू का पावर जीरो प्लस टू का पावर वन प्लस टू का पावर टू प्लस टू का पावर थ्री देखो यहां पर टू का पावर थ्री है तो जितना तक पावर वन तो बढ़ो जीरो से फाइव का पावर जीरो का पावर वन और एक बार समझने की चीज है थ्री का पावर जीरो का पावर वन अब आप इसको निकालो आपको इतना जरूर पता होगा किसी नंबर का पावर अगर जीरो है तो उसका वैल्यू क्या होता है वन इतना सबको पता है जिनको नहीं पता है जान लीजिए किसी भी नंबर का अगर पावर जीरो है तो वैल्यू क्या होगा वन फाइव का पावर जीरो वन ए का पावर जीरो वन कोई भी नंबर सिक्स ट्वेंटी फाइव का पावर जीरो क्या होगा वन ये आपका टॉपिक है बहुत हैवी टॉपिक है आएगा भी ठीक है तो किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो है तो वैल्यू क्या होता है वन तो टू का पावर जीरो कितना हो गया वन तो ये हो गया वन अब ये क्या हो गया टू ये क्या हो गया फोर ये क्या हो गया टू का पावर थ्री कितना हो गया एट मल्टीप्लाई फिर ये क्या हो गया वन अब आपका कैलकुलेशन कितना अच्छा है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो सिक्स वन प्लस फाइव फिर मल्टीप्लाई थ्री का पावर वन प्लस थ्री क्लियर है अब इसको जोड़ दीजिए आठ चार बारह बारह दो चौदह एक पंद्रह मल्टीप्लाई पांच और एक छ मल्टीप्लाई तीन और एक चार पंद्रह छक्के नब्बे नब्बे को चार से गुना करेंगे नौ चौक छत्तीस तीन सौ साठ आएगा आंसर देखिए आप ओके करो सर समझ में आ गया पूरा क्लियर है और नोट करो फट से अगला क्वेश्चन आपको बनाना है अगला क्वेश्चन आपको बनाना है अगला क्वेश्चन आपको बनाना है क्लियर है सबसे क्लियर अब मैं अगला क्वेश्चन दू आप लोगों को ये टॉपिक बहुत हैवी है प्राइम नंबर वाला इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं अभी तक आप आवाज संख्या निकालते थे आवाज गुणनखंड अब देखो गुणनखंड टोटल गुणनखंड निकाल रहे हैं आज के डेट में ना अगर आप पूरी ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे ना हिंदुस्तान में नौकरी मिलना बहुत संभव वो भी अब आज के डॉ रेलवे में ये सब ऑफिसर ग्रेड की जॉब है जो आप भरे हैं एन का हाँ फिर यार आप पढ़ लेते हैं एक बार अगर अपने जीवन के कुछ बसंत त्याग कर देते हैं अगर इसमें आप छः महीना दे दो ना जितना आपको टाइम है मतलब टाइम इसका पता है आपको फरवरी मार्च में पेपर होगा इस साल अभी पेपर होगा नहीं मार्च अप्रैल में इसका पेपर होगा ये जो आप टाइम दे दोगे ना चार छह महीना पूरी ईमानदारी से रोज पढ़ने लगोगे फिर ये कुछ नहीं है ये चीजें होती है क्योंकि ये सारे बच्चे आगे बढ़े चलिए अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं अब बना के दिखाना और एक एक चीज समझते जाओ मॉर्निंग का टाइम तो और बेस्ट होता है माथा में पूरा घुस जाता है मॉर्निंग का टाइम तो सबसे बेस्ट है इसलिए मैं इस टाइम को इसका टाइम मैं जब भी कभी बैच स्टार्ट करता हूं ना हाई लेवल बैच जैसे मॉर्निंग अभी मैं सीजीएल का बैच स्टार्ट करने वाला हूं तो या तो मैं बैच को मॉर्निंग में रखता हूं जो टफ लेवल का हाई लेवल बैच होता है या तो रात में रखता हूं आठ बजे माथा शांत रहता है मॉर्निंग का बैच बेस्ट है अभी जितना क्योंकि माथा खाली है अभी रिलैक्सड मोड में है अभी आप जो डालना चाहते हैं डाल दीजिए बारह बजे के बाद तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी दोस्त की बातें गर्लफ्रेंड की बातें बॉयफ्रेंड की बातें परिवार की बातें माता पिता की बातें दस तरह का टेंशन थकने लगता है बारह बजे के बाद देखिए अगला अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आप बना के दिखाइए मुझे ठीक है तीन दोनों चीजें पूछ रहा हूं तीन सौ में कुल फटाफट तीन सौ में कुल कितने गुणन खंड है गुणन खंड है तीन सौ में कुल कितने गुणन खंड है बताइए हाउ मेनी टोटल फैक्टर्स या द टोटल फैक्टर्स ऑफ थ्री हंड्रेड इज कितने गुणन खंड है पहले ये बताओ आप कितने गुणनखंड खंड है पहले ये बताइए फटाक से थ्री हंड्रेड में कितने गुणनखंड हैं टोटल फैक्टर्स कितने हैं और उसका योग भी बता दीजिए टोटल कितने गुणन खंड है और उसका योग भी बताओ सम भी बताओ दोनों साथे बताइए एक ही साथ काम हो जाएगा और जानते हैं ये सब अभी जो आप नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं ये एनएसएस संख्यापत्ति और सरलीकरण ये आपके कैलकुलेशन को बहुत अच्छा करता है ये टॉपिक तो आप सीख ही लेते हैं प्लस आपका जो बेसिक कैलकुलेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है छोटी छोटी चीजें होती है ना उसमें आपको जैसे तोड़ना है थ्री हंड्रेड को तोड़ लीजिए आपकी मर्जी है देखिए जिनको दिक्कत हो बताओ थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड को क्या लिख सकते हैं थ्री इंटू हंड्रेड कोई भी एक फैक्टर लीजिए फिर थ्री हंड्रेड थ्री तो कोई दिक्कत नहीं है हंड्रेड को क्या लिख सकते हैं जैसे आपको लिखना है लिख लीजिए टेन इंटू टेन या ट्वेंटी फाइव इंटू फोर कोई दिक्कत नहीं है छोटे से छोटे में ब्रेक करना है अब थ्री का पावर ये क्या हो गया थ्री रहने देते हैं फिर इसको तोड़ देते हैं टू इंटू फाइव फिर इसको भी तोड़ेंगे टू इंटू फाइव तो अब क्या हो गया हमारे पास देखिए थ्री थ्री का पावर वन टू और टू तो टू का पावर टू और फाइव का पावर आपके पास ये आ गया कोई दिक्कत तो नहीं अब अब आपको क्या निकालना है टोटल पहले निकालना है इसमें कि टोटल कितने टोटल फैक्टर्स निकालना है तो बस पावर में क्या करोगे आपको तो थ्री, थ्री, तो थ्री थ्री नाइन कितना हो गया एटीन हो गया तो टोटल फैक्टर्स कितने होंगे अब आपको क्या पूछा था योग निकालने के लिए अब योग कैसे निकालोगे योग निकालना है

टू का पावर टू यानी कि टू का पावर कहां तक जाना है टू का पावर जीरो टू का पावर वन टू का पावर टू टू है तो टू तक ठीक है फिर मल्टीप्लाई फाइव का पावर टू तक तो फाइव का पावर जीरो का पावर वन प्लस फाइव का पावर टू तक अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए मल्टीप्लाई जोड़ दिए अब कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखना है अब नहीं है तो यही सब सिखा देगा आपको बस अब इसमें क्या हो गया वन प्लस थ्री कितना हो गया फोर अब ये कितना हो गया दो दो नी चार चार दो छ एक साथ और ये कितना हो गया पाँच पांच, पांच एक और पच्चीस पच्चीस छक्के डेढ़ सौ हो गया आई बात समझ में ये क्लियर है देखिए तीन और एक चार यहां ध्यान से देखिए तीन और एक चार और ये क्या हो गया दो चार, आ एक पांच और एक दो चार चार दो चार चार दो, चार, चार दो और यहाँ क्या हो गया पच्चीस पच्चीस कितना हो गया ये दो दुनी चार दो ये पच्चीस पच्चीस पांच तीस अच्छा अच्छा यहां मैंने गलती कर दिया ना पंचे पच्चीस पच्चीस पाँच तीस आ एक इकतीस कितना हो गया ये थर्टी वन हो गया गलती तो नहीं किया देख रहे ना तीन और एक चार ये कितना हो गया दो दूनी चार एक पाँच आ एक यहाँ कितना हो गया पच्चीस पच्चीस आ पांच तीस आ एक इकतीस इकतीस होगा हो ना अब इसको आप गुना कर दो सात चौक अट्ठाइस आ थर्टी वन आई बात समझ में देखिए ठीक से क्लियर है कंप्लीट है ना एक बार ओके करो तो गुना कर दीजिए ना मैंने तो गुना करना है अट्ठाइस को गुना करेंगे कितना हो जाएगा एट्टी फोर एट्टी फोर कितना हो जाएगा एट्टी सिक्स एट एट्टी सिक्स गुना कर दीजिए यहां तक क्लियर है देख लो आप कोई दिक्कत तो नहीं आगे बढ़े कैलकुलेशन थोड़ा ठीक रखिएगा क्लियर है अब देखिए यहां तक नोट कर लिए ना चलिए अब देखिए यहां तक तो क्लियर हो गया ये टोटल गुणनखंड आप निकालना सीख चुके हो इसमें कोई दिक्कत अब देखिए अगला अगला आप ध्यान देखिए अब आप आपको पूछेगा फिर मैं वही क्वेश्चन सेम रिपीट करता हूं देखिए अब क्वेश्चन पूछेगा 120 ध्यान से देखते जाइएगा 120 के कुल 120 के कुल कितने समगुणन खंड है समगुणनखंड खंड ध्यान से देखते जाना समगुणन खंड के कुल कितने समगुणनखंड खंड है इवन फैक्टर्स निकालना है आपको समगुणनखंड खंड द टोटल इवन फैक्टर्स इवन फैक्टर्स द टोटल इवन फैक्टर्स ऑफ 120 ट्वेंटी इज आपको क्या निकालना है वंदना मौर्या सर मेरा आज फर्स्ट क्लास है कल मैं क्लास ली थी चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो इस बैच में और वंदना क्लास आप आज लिए हैं कल लिए हैं कोई बात नहीं आज पहली क्लास आपकी कोई दिक्कत नहीं है आपका काम क्या है पहले जानते हैं तो आप सबसे पहले जितने भी अब तक मैंने क्लासेज दिए हैं वो सारे क्लासेज आप स्टार्टिंग से देख लो टोटल क्योंकि ये मैथ है आप बैच कब ज्वाइन करते हैं ये कोई मायने नहीं रखता ठीक है लेकिन अब तक मैं जितने क्लासेज दिया हुआ हूं आप सारे पिछले क्लासेज पहले आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालिए दो तीन घंटा एक्स्ट्रा टाइम निकालिए रोज और उसको रोज एक एक दो दो वीडियो देख लीजिए स्टार्टिंग से क्लास वन क्लास टू तो, क्लास थ्री वो पूरा कवर कर लीजिए और तब आप यहाँ पे आइए तब आपको समझ में आएगा पूरा क्योंकि बीच से ज्वाइन करेंगे तो मैं कोई क्योंकि मैथ है ना बीच से ज्वाइन करेंगे दिक्कत हो क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है तो आप स्टार्टिंग से सारा देखें और थोड़ा पैसेंस रखें जो डाउट हो मुझे पूछ लिया करें कोई दिक्कत नहीं है वंदना मौर्य क्लियर है मैं आप ही को बता रहा हूं आप एक आ वंदना एक मेरी एम वाले बैच में भी है वंदना मौर्य शायद आप वही हैं क्या आप मुझे बताए थे एम वाले बैच में भी आप थी ना क्लियर है वन ट्वेंटी अब देखिए यहां पे मैं बताता हूं तो अब यहां पे अभी तक क्या निकालते थे आप टोटल फैक्टर्स अब आपको क्या निकालना है सम गुणनखंड इवन फैक्टर्स निकालना है क्वेश्चन में सेम रिपीट कर दिया हूं ताकि आप बात जो है मैं आपकी माथा में घुसा सकूं अच्छे से तो एक के कितने फैक्टर्स होंगे अभी आपने निकाला भी था अभी लिखाया था आपने निकाला था ना मैं द, चलो तोड़ देता हूं चालीस दिया एक ध्यान से देखना फिर 40 को तोड़ेंगे आठ पंचे चालीस तीन कितना हो गया दो का पावर तीन पांच का पावर एक और तीन का पावर एक यहां ध्यान से देखना सेम नंबर ले लिया हूं ताकि आपको समझ में आए ठीक है आपको क्या पूछ रहा हूं इवन फैक्टर्स ध्यान से सुनना इवन फैक्टर्स ध्यान से देखिए तो इवन फैक्टर्स में क्या करना है आपको यहां थोड़ा ध्यान समझना पड़ेगा इवन फैक्टर्स में

अब फिर अब ये ऑड वाले में वन मल्टीप्लाई कर देना है कर देना आपको, तो कितना हो जाएगा? तीन दूनी छह आप ध्यान से देखिए यहां पे टू का पावर थ्री जब भी इवन फैक्टर्स कहेगा निकालने के लिए तो यहां पर जो इवन नंबर होगा चाहे कोई भी नंबर हो इवन टू ही घबराइए मत इवन नंबर एक टू ही आएगा क्योंकि फोर आएगा वो भी टू के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ टू रहेगा टू वाला का जितना पावर रहेगा उसमें आपको वन ऐड नहीं करना है इसमें वन ऐड नहीं करना है क्या लेना है थ्री का थ्री बाकी जो ऑड वाला नंबर होगा ऑड डिजिट होगा उसमें फिर सेम जैसे करते आए हैं वैसे ही करना है देखो इसमें क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं आपको समझ यहां पे ये जो टू का पावर थ्री है ना इसका पावर सिर्फ थ्री लेना है इसमें ऐसा करते क्यों है टू के पावर थ्री का मतलब क्या हुआ टू का पावर जीरो टू का पावर वन टू का पावर टू और टू का पावर थ्री ये हुआ ना टू का पावर थ्री तो इसमें क्या करते हैं टू का पावर जीरो वाला जो फैक्टर होता है वो नहीं लेते हैं ये तीन लेते हैं एक दो तीन इसमें जीरो वाला नहीं लिया इसीलिए यहां तीन का तीन ही ले लेते हैं अभी आप ऐड करोगे इसको ना तो ऐड भी बताता हूं ये क्लियर हुआ थ्री टू फोर अब मान लीजिए यहां ये क्वेश्चन पूछता सभी गुणनखंड सभी सम गुणनखंड का योग बताएं सभी सम गुणनखंड का योग बताएं मैं दोनों चीजें की बताता हूं योग अब आपको पूछ दिया यहां पे सम बताओ सम कितना होगा इसका योग कितना होगा यानी कि सम निकालना है आपको कितना होगा इसका इवेंट का पावर थ्री क्या लेना है क्योंकि इसमें तीन ही है ना फैक्टर तो टू का पावर वन टू का पावर टू प्लस टू का पावर थ्री अब बाकी में सब वही लो मल्टीप्लाई फाइव का पावर वन फाइव का पावर जीरो प्लस फाइव का पावर वन मल्टीप्लाई थ्री का पावर जीरो थ्री का पावर वन बस अब आप निकाल दो सब में जोड़ के मैं डायरेक्ट लिख दू अब हो गया आठ आठ चार बारह और ये क्या हो गया बारह दो चौदह आठ आठ चार बारह और दो चौदह मल्टीप्लाई पांच ये तो किसी भी नंबर का पावर जीरो होता है तो वैल्यू वन होता है बता चुका हूं पांच और एक और ये क्या हो गया तीन और तीन और एक चार ये आई बात समझ में अब आप इसको गुना कर दीजिए आपका आंसर निकला हुआ क्लियर है कंप्लीट है देख लीजिए क्लियर है कितना हो ज़िए? गुना कर दीजिए चौदह छक चौरासी हो गया चौरासी को चार से गुना करेंगे तो चार चौका सोलह का छह हाथ में एक चार अठे बत्तीस एक कितना हो गया तैतीस तीन सौ छत्तीस आएगा इसका योग दोनों पूछ सकता है या तो पूछ सकता है कि कितने गुणनखंड है सम फैक्टर्स कितने गुणनखंड है या आपको यह पूछ सकता है कि टोटल योग बताओ तो योग ऐसे निकालोगे इसमें इवन वाले का जो पावर जितना होगा उतना ही लेगा इसमें पावर में वन ऐप ऐड मत करना तो कौन सा फैक्टर छाटते हो ये भी जानना है कौन सा जो जीरो वाला होता है वो देते हैं तब आप योग निकालोगे ना तो योग निकालोगे इसमें टू का पावर जीरो नहीं लेना है आपको वन से लेना है क्योंकि इसमें तीन फैक्टर होता है ये इवन है अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं उसको लगता है कि इवन फैक्टर लेना है तो इवन में ये लेता है ये दोनों को छोड़ देता है नहीं नहीं इवन सब है टू को फाइव से मल्टीप्लाई करोगे तो टेन भी तो हो जाएगा ना तो वो भी तो एक फैक्टर है इसका टेन फैक्टर नहीं है टू का पावर थ्री से मल्टीप्लाई करोगे इसका फैक्टर नहीं है तो इवेंट वाले में टोटल लिया जाता है समझ गए अब समझ गए टोटल फैक्टर्स और टोटल इवेंट फैक्टर्स में अंतर कितना है समझ में आया खाली एक इसमें छोड़ देना क्लियर है देख लो आप मुझे ओके okay करो तब मैं आगे बढ़ूंगा आज इसी को करेंगे आगे नहीं बढ़ाएंगे मैं सोचा था एक टॉपिक करवा देंगे लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा ये हैवी हो गया है ये पिछले क्लास का टॉपिक है जो स्टूडेंट्स पिछले क्लास इसका नहीं लिए होंगे उनको दिक्कत हो रही होगी तो आप पहले वो क्लास देख लो इसका पिछला क्लास टॉपिक है प्राइम नंबर्स ये बहुत हैवी टॉपिक होता है हर एग्जाम में अलग अलग टॉप टॉप मैथ वही है सिर्फ फर्क क्या है लेवल का फर्क होता है आप टेंथ का एग्जाम देंगे वो जी का जी का मैथ एम का मैथ रेलवे का मैथ सी का मैथ सीजीएल का सब तो मैथ है लेकिन मैथ में क्वेश्चन का लेवल का फर्क हो जाता है टॉपिक के लेवल का फर्क हो जाता है क्लियर है देख लीजिए बंदना आपने बताया नहीं आप एमटीएस वाले बैच में भी थी क्या एमटीएस वाले बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं रेलवे वाले में भवानी आया हुआ है विकास आया हुआ है और नोट कर रहे हैं ना कॉपी रखे हैं ना दो कॉपी बनानी है दो कॉपी बनानी है और मैं आपको बता दूं क्लास नोट आपका बेस्ट हो ये माथा में घुसा लो क्लास नोट बेस्ट है ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं करना मैं आपको प्रैक्टिस सेट देता हूं ना इसका आप बनाओ चाहे नहीं बनाओ कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है वो एक्स्ट्रा है आपको क्लास का जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको घोल के पी जाओ मैथ में क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस मत करो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो अब आप कोई भी क्वेश्चन बना लोगे कि नहीं बना लोगे कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो मैथ में क्वेश्चन पे ज्यादा मत फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट को पकड़ना है आपको ये ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट को पकड़ना है आपको समझ गया क्लास नोट बेस्ट है दो कॉपी बनाओ एक में क्या बताया था एक कॉपी ऐसा बनाओ जिसमें क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन हो ये पूरा एक कॉपी ऐसा बनाओ जिसमें खाली क्वेश्चंस क्वेश्चंस हो वो आपकी एक बुक तैयार हो जाएगी अलग से जिसमें सिर्फ खाली क्वेश्चन क्वेश्चन हो क्योंकि दस दिन बाद पंद्रह दिन बाद दो महीना बाद आपको याद हो नहीं रहेगा कि हम कौन सा टॉपिक पढ़े थे कौन सा क्वेश्चन पढ़े थे उसी को बार बार रिवाइज करना है दो कॉपी बनाइए एक में क्वेश्चन विथ सोल्यूशन एक में सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन क्लास के आ उसी को बार बार रिवाइज करना कोई क्वेश्चन फंस गया उसमें तो एक कॉपी और भी है जिसमें सोल्यूशन है से उसमें देख लिए जो कह रहा हूं आप करते जाइए कहता रहो एक एक क्वेश्चन बनेगा आपसे एक एक क्वेश्चन ठोक के आओगे छूटेगा ही नहीं कहता मैं गारंटी लेता हूं गारंटी लेता हूँ व्हाइट पेपर पर लिख के देने के लिए तैयार हूं लिखा लो मुझसे आजकल ऑनलाइन होता है कोई दिक्कत नहीं लिखवा लो लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो करना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी अभी अभी आपका स्टार्टिंग है अभी आप मैथ पढ़े कितना हो पाँचों परसेंट मैथ नहीं पढ़े हो यदि अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो ये तो पूरा मैथे बाकी है टाइम लगेगा इसमें ठीक है चलिए आगे बढ़े हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा मैं पहले बोला थोड़ा टिपिकल पार्ट है देखिए सब देखिए मेरा एक है आप मेरे मुझसे जुड़े हैं मेरा एक उद्देश्य रहता है कि देखिए आप लोग नौकरी लेने के उद्देश्य से आए हैं मजे के लिए तो आए नहीं है मान लीजिए हम इजी इजी चीज़ें बता दें और आपको मजा आएगा और आपको लगे धूप बहुत अच्छा कल वहां पे जाके एग्जामिनेशन हॉल में माथा पटकोगे है ना तो यहां जो आता है यहां पढ़ना है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में हम मजा ले सकें अभी तो हमको पढ़ना है ये तो क्लास है अभी तो हमको मेहनत करनी है यहां जितना से जितना डीप पढ़ सके इजी चीज़ों में लाइफ में कभी भी विश्वास मत करना माथा में फिट करो इजी चीजों में विश्वास ही नहीं करना है हार्ड से हार्ड चीजों में विश्वास करना है डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पढ़ने की कोशिश करो जब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पढ़ने की कोशिश करोगे ना इजी अपने आप बनने लगते हैं हमेशा दायरा प्रि प्रिपरेशन का दायरा बढ़ाइए डीप से डीप नहीं पढ़ता नहीं आता है सीखेंगे मेहनत करेंगे नहीं समझे बार बार पढ़ेंगे होगा क्यों नहीं बार बार पढ़ेंगे अपने आप होगा नोट कर लीजिए अब मैं फिर एक पे भी क्वेश्चन इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं एक कहेगा टोटल ज्ञात करो एक तो प्राइम नंबर मैंने कंप्लीट करवा दिया आज की क्लास की बात कर रहा हूं तीन एक कहेगा टोटल फैक्टर्स बताओ टोटल एक कहेगा इवन फैक्टर्स बताओ सम गुणखंड एक कहेगा विषम फैक्टर्स बताओ तीन टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछते हैं तीनों में दो दो वर्जन एक तो कहेगा टोटल एक पूछ पूछतेगा योग निकालने के लिए दोनों में साथ ही बता दे रहा हूं अब आप एक क्वेश्चन यहां पे बताओ तब तो मैं आगे आपको बढ़ता हूं ठीक है एक घबराइए मत एक क्वेश्चन आप बना के दिखाइए मुझे क्लियर है आगे बढ़ू चलिए एक क्वेश्चन बना के दिखाइए मुझे आपको घबराना नहीं है क्लियर है ना कंप्लीट ना 360 360 360 के सभी सम गुणनखंड का योग ज्ञात करना है सम का योग ज्ञात करना है 360 के सभी समगुणनखंड का योग बताना है ठीक है फाइंड ऑल द इवन फैक्टर्स इवन फैक्टर्स ऑफ थ्री हंड्रेड सिक्सटी इज इज नहीं क्वेश्चन मार्क फाइंड लगा दिए देखिए बना के आराम से कोशिश करें बनाए आप कोशिश करें बने चाहे नहीं बने मैं नहीं समझता आज नहीं तो कल आप ही से बनेगा जाएगा कहां लेवल लो होगा थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा और जिनका बेसिक मैथ का लेवल लो होगा जिनको कुछ नहीं आता होगा बेसिक कैलकुलेशन प्लस माइनस पॉइंट रूट तोड़ना एक्स का वैल्यू निकाल नहीं आता होगा या आपको नहीं आता या किसी को भी नहीं आता होगा तो मैं एक बताया था क्योंकि ऑन डिमांड है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स रोज मुझे बोलते हैं बेसिक मैथ का मैं एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ नाइनटी नाइन रूपीज का वो बैच जरूर ज्वाइन कर लेना जिनका मैथ बिल्कुल भी कुछ नहीं आता होगा वो उनके लिए रामबान होगा दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिस जिस समस्या का समाधान नहीं हो खाली आपको ढूंढना पड़ेगा प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है सोल्यूशन आपको पकड़ना पड़ेगा लेवल खराब है तो स्वीकार कीजिए मेहनत कीजिए नहीं समझ में आता है बार बार मेहनत कीजिए मैं टाइम देता हूं आप घबराइए मत आज मैं दूसरा टॉपिक नहीं करवाऊंगा होगा भी नहीं घबराइए मत इसमें टाइम लगेगा भी और कोशिश जरूर करें बैठे नहीं रहे मेरे भरोसे मत रहिए बैठे हल्का तोड़िए नहीं आता तोड़ना आता है तोड़िए तो पहले पहले तीन को तोड़ के तो रखिए जितना ही आता है उतना तो कीजिए कोशिश जरूर कीजिए तो एक ना एक दिन जरूर समझ माने लगेगा हाथ पे हाथ धर के रखे बैठे रहेंगे तो नहीं होगा अब देखिए मैं तोड़ता हूं पहले तीन को तोड़ देते हैं हम लोग जैसे तोड़ना जैसे आपको तोड़ना है तीन के आप जैसे आपको तोड़ना है आप वैसे तोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आपको दिक्कत होती है तो डायरेक्ट ऐसे तोड़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आपको जैसे ठीक लगता है जैसे आपके तोड़ना आता है वैसे तोड़ लीजिए ठीक है 180 को दो से गुना करना चाहते हैं वैसे तोड़ लीजिए आपकी मर्जी है जैसे आप तोड़ना चाहते हैं वैसे तोड़ लीजिए कैलकुलेशन देखिए हर तरह का अच्छा कैलकुलेशन रखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं होती है ठीक है कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो एक बार हम देखते हैं ठीक है छत्तीस को जैसे तीन सौ साठ को देता दिक्कत होती है फट से ऐसे तोड़ लिया करो डायरेक्टेड टूट जाता है दो से नब्बे दो से पैंतालीस तीन से नौ सॉरी पंद्रह या पैंतालीस तीन से पाँच हो गया तो दो का पावर तीन तीन का पावर दो और पांच सिंगल है पांच का पावर एक यहां तक क्लियर अब आपको गुणनखंड निकालना था इसमें तो कुछ नहीं करना था सबके पावर में देखो यहां पे सबके पावर में क्या करते एक जोड़ते लेकिन सम इवन फैक्टर्स हैं। इवन वाले में क्या करेंगे टू का पावर थ्री है तो इसको कुछ नहीं करेंगे थ्री का थ्री ये ले लेंगे अब इसमें एक जोड़ देंगे टू प्लस तो कितना हो गया थ्री फिर वन प्लस कितना हो गया टू तीन तीन नौ दूनी अठारह कितने इवेंट फैक्टर्स होंगे 18 इवेंट फैक्टर्स होंगे योग कितना कि पावर थ्री क्या लेना जीरो पावर लेना है टू का, का पावर वन टू का पावर टू टू का पावर थ्री मल्टीप्लाई थ्री का पावर कितना है देखो यहां पे टू तो, 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 तो थ्री का पावर टू थ्री का पावर जीरो तो थ्री का पावर वन थ्री का पावर टू हो गया जी पाँच का पावर एक तो क्या लिखना है पांच का पावर जीरो पाँच का पावर एक बस जब भी टोटल पूछेगा कितने फैक्टर्स हैं तो तब तो आप टोटल इवन फैक्टर्स वन वन जोड़ करके वहां मल्टीप्लाई कर दो इसमें खाली वहीं रखो आ इसमें थ्री का पावर टू है तो इसको जीरो से लिया करो थ्री का पावर टू तीन फैक्टर्स होते हैं ना दो और एक तीन तीन फैक्टर्स होते हैं ना तो कौन कौन वो तीन फैक्टर हैं देखो ना थ्री का पावर जीरो थ्री का पावर वन थ्री का पावर टू अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए मैं डायरेक्ट करूँ आठ आठ चार बारह एक तेरह आठ आठ चार बारह आठ चार बारह दो चौदह एक्सटीम सॉरी फोर्टीन ये आठ हो जाएगा ये चार हो जाएगा ये दो हो जाएगा मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा नौ नौ तीन बारह एक तेरह ये नौ होगा ये तीन होगा और ये किसी भी नंबर का पावर जीरो होता है तो क्या होगा वन होगा नौ तीन बारह एक तेरह मल्टीप्लाई ये क्या होगा पाँच और पाँच एक छः होगा आई बात समझ में क्लियर है देख लीजिए यहां तक क्लियर है सबसे अब आप इन तीनों को गुना कर दीजिए अब वहां पर पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत कीजिएगा यूनिट डिजिट निकालिएगा मैं सिखाया था एक टॉपिक ज्ञात करना देख लीजिएगा यूनिट डिजिट से निकाल के क्षेत्रीय अठारह आठ चौक बत्तीस किसके लास्ट में टू है ऐसे निकालिएगा गुना करेंगे तो कितना आया वन जीरो नाइन टू क्लियर है देख लीजिए आप बताइए क्लियर है कि नहीं तभी आगे बढ़ेंगे क्लियर है यहां से पहले क्वेश्चंस नहीं आते थे लेकिन आजकल धरेले से क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट को तो मैथ का सिलेबस तक नहीं पता है कि उसको पढ़ना क्या है मैथ में हवे में रहता है उसको पता क्या है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस टाइम एंड वर्क यही सब माथा में घूमते रहता है उसको पता भी नहीं है कि नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन इतना बड़ा पार्ट है आप देखिए ना मैं कितने क्लासेस दिया हूँ एक ग्यारह क्लासेज बारह क्लासेज दे चुका हूँ और अभी भी आठ नौ क्लासेस बाकी है इसमें समझिए ना मैथ का सिलेबस कितना है नंबर सिस्टम एंड सिम्प्लीफिकेशन ये बहुत बड़ा पार्ट है ना टीचर पढ़ाना चाहता है कोई न विद्यार्थी पढ़ना चाहता है विद्यार्थी को मतलब भी नहीं उसको पता ही नहीं है जो तो नंबर सिस्टम वहाँ पर जा करके जब वो क्वेश्चन देखता है उसको लगता है बाप ये क्वेश्चन कहाँ से आया था वो तो उसको पता रहेगा सिलेबस तब ना वो तो खाली चैप्टर जानता है अनुपात समानुपात रेशियो एंड परपोर्सन परसेंटेज वो इतना ही जानता है एडवांस मैथ मैथमेट्री गो इतना ही मैन्यूफिट है ज्योमेट्री ये वो जानता ही नहीं है अब वहां जो क्वेश्चन मिलता है ये सब उसको तो लगता है बापरी मैथ तो में कहां से क्वेश्चन आया था नया क्वेश्चन आया था नया क्वेश्चन नहीं आया था बुर्वक क्वेश्चन वही है तुमको सिलेबस से नहीं पता तुमने पढ़ा ही नहीं क्लियर है कंप्लीट है देख लो आगे बढ़े अब मैं आप क्लियर है ना कोई दिक्कत नहीं ना अब एक आपको और बताता हूं विषम गुणनखंड लास्ट है अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया घबराइए मत आप आराम से घर पे जाके इसको देखिए आप पहले आज की क्लास ली है ना आप घबराओ मत अरे मुझसे पढ़ रहे हो आप टेंशन का ले रहे हैं दोबारा पढ़ा दूंगा कतरो तिबारा पढ़ा दूंगा कोई भी टॉपिक अगर ना समझ में आया मुझे खुल के बोलना सर नहीं समझ में आया मैं बीस बार पढ़ा दूंगा इस टॉपिक को जब तक आपके माथा में घुसाऊंगा नहीं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा आप उसकी टेंशन मत लेना कभी भी जब डाउट रखना हो डाउट सेशन रख लेना अलग से जब कभी कोई दिक्कत हो आप घबराओ मत खाली आप पढ़ो मैं आपको बहुत अच्छे से बताया हूं सिस्टम से बता रहा हूं एक बार नहीं समझ में माए दोबारा वीडियो को देखिए नहीं समझ में माए तिबारा वीडियो को देखिए समझ में जरूर आ जाएगा क्योंकि मुझे पता है मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया लेवल लो होता है कुछ बच्चों का बहुत दिनों के बाद मैथ पढ़ने के लिए आता है आपको बात समझ में तो आ जाती है कैलकुलेशन प्रॉब्लम के कारण क्या होता है कभी कल धीरे धीरे समझ में आता है एक दो बार देखेंगे आपको दिक्कत नहीं होगी दिक्कत होगी तो मैं हूं ना आप मुझे खुल के बोलिए मुझसे कभी मत शर्माना ठीक है अब देखो अगला क्वेश्चन है 120 मैं 120 बार बार नंबर ले रहा हूं क्योंकि तीनों में कनेक्ट किया देखो 120 पे इस पे आप जब देखोगे ना आराम से आपको पता चलेगा देखिए देखिए पहला क्वेश्चन यही था 120 के सभी गुणनखंड का योग निकाले थे आपको पता रहेगा अच्छा 120 के सभी सम गुणनखंड अब 120 पे ही मैं दूसरा क्वेश्चन दिया था देखिए 120 के सम गुणनखंड उसमें सभी निकाले थे इसमें सम अब मैं 120 पे ही विषम देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे निकालेंगे सेम नंबर से ना अलग अलग चीजें क्लैरिटी होती है अब 120 के आ एक अलग अलग मैं क्वेश्चन भी सब पे दे दिया हूं 120 के सभी विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें सभी विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करें तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी विषम गुणनखंड पहले ये निकालते हैं सभी विषम गुणनखंड ज्ञात करें ठीक है द टोटल 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 ऑड फैक्टर्स टोटल ऑड फैक्टर्स ऑफ 120 ट्वेंटी इज ऑड फैक्टर्स निकालना आपको अब देखिए 120 को हम लोग कितनी बार तोड़े हैं पहले तोड़ देते हैं 120 को अभी तोड़े थे कितनी बार मैंने तोड़ा है 40 गुने तीन फिर तोड़ते हैं 40 गुने तीन क्या लिखे थे आठ गुने पांच गुने तीन अरे बार बार बनाएंगे ना ये सब माथा में छप जाता है आ जाता है सब चीजें फटफटफट फट लिखते थे अब आठ को क्या लिख सकते हैं दो का पावर तीन पांच को क्या लिख सकते हैं पांच का पावर एक तीन को क्या लिख सकते हैं तीन का पावर एक इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है पांच आपको आगे लिखना है ही लिख दीजिए दो बाद में लिखना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है अब आप देखो यहां पे आपको क्या निकालना है ऑड फैक्टर्स देखो ऑड फैक्टर्स विषम गुणनखंड तो ऑड में क्या करना ये सम वाला छाट देना बस ये दोनों लेना है आपको ऑड वाले बस ये दोनों लेना है क्योंकि ऑड ऑड यही ना है 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 और क्या क्या ये बस पावर में क्या करना है? ये मैं पहले बता दिया पावर में एक जोड़ना ही जोड़ना है पावर में वन प्लस करना ही करना है चाहे कोई भी फैक्टर निकालो खाली जब इवन फैक्टर्स कहीं निकालने के लिए तो इवन नंबर वाला जो पावर होगा उसमें एक मत जोड़ना उसमें एक मत जोड़ना आए रुक जाइए रुक जाइए अभी पूरा मैं छापूंगा आप घबर जब तक पूरा क्लियर आप नहीं कहोगे ना आपका टेंशन ले रहे हैं अभी रुकिए है तो अभी दस मिनट टाइम दीजिए थोड़ा आज थोड़ा टाइम लगेगा देना पड़ेगा ठीक है अब यह हटा दीजिए अब एक जोड़ दीजिए इसमें एक जोड़ दें कितना हो गया एक और एक दो अब फिर यह क्या हो गया एक और एक दो कितना हो गया चार हो गया बस यही इसको छाट देना है अब पूछता योग इसका ही योग बताओ सम बताओ योग पूछता सम तो बस आपको कोई दिक्कत नहीं इसमें यह तो लिए ही नहीं हो तो बस निकालो फिर वही पांच का पावर एक मतलब क्या पांच का पावर जीरो पांच का पावर एक मल्टीप्लाई तीन का पावर जीरो तीन का पावर एक अब कुछ है ही नहीं मैं डायरेक्ट लेक छ तीन आ एक चार छ चौबीस हो गया देखिए ओके कीजिए नोट कीजिए फटाफट मैं आपको क्लियर करूंगा बस रुक जाइए रुक जाइए इसको नोट कीजिए पहले नोट कर लें तो ओके कर देना मुझे आज के डेट में ना स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है पढ़ते ही नहीं है जी 95 फाइव परसेंट स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं सिर्फ पढ़ते हैं 5 परसेंट और उन्हीं 5 परसेंट को हिंदुस्तान में नौकरी लगती है 95 परसेंट तो भीड़ का हिस्सा है पार्ट ऑफ क्राउड बोलते हैं उसको आपको क्या लगता है इतने सारे बच्चे फॉर्म भरे हैं मान लीजिए एन टी पी वैकेंसी मान लीजिए सपोज ग्यारह के आसपास आई है जानते हैं कि लाखों बच्चे फॉर्म भरेंगे वो फॉर्म भर देता है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तैयारी किया तो नहीं क्या नहीं जो जो जिस लेवल की तैयारी करनी चाहिए वो मात्र फोर टू फाइव परसेंट स्टूडेंट्स करते हैं मात्र और उन्हीं को नौकरी लगती है बाकी तो भीड़ होते हैं तो भीड़ का कभी हिस्सा नहीं बनना है अपने आप को अलग करना है मेहनत करनी है और मैं कह रहा हूं आपको हिंदुस्तान में इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है हिंदुस्तान में ना गवर्नमेंट जॉब से बढ़िया कोई चीज ही नहीं है कोई चीज नहीं है जीवन के बाद भी और जीवन के पहले भी सब आपको देगा ही हमेशा आपको क्या आपके आने वाली पीढ़ी को भी आपको बहुत कुछ दे देता है इसमें एक बार इनपुट है एक बार मेहनत है इनपुट कोई लाख दो लाख रुपया इसमें खर्चा नहीं करना है इनपुट है मेहनत का लेबर का फिर इसका जो आपको आउटपुट आप मिलेगा वो लाइफ टाइम मिलेगा एक बार मेहनत कीजिए अपने जीवन के कुछ बसंत त्याग कीजिए कुछ महीने त्याग कीजिए आगे बढ़े कंप्लीट है यहां तक सीख लिए हो गया टॉपिक कंप्लीट है मैं एक बार और क्लियर करूंगा घबराइए मत मैं एक साथ इकट्ठा तीनों लिखता हूं बना लेंगे कोई दिक्कत तो नहीं चलिए अब देखिए मैं एक बार पहले आपको और क्लियर कर देता हूं सब लोग ध्यान से देखना पांच मिनट अब ध्यान से देखना यहां पर पांच मिनट अब ध्यान से देखो मैंने आपको कहा पांच मिनट ध्यान से देखना ध्यान देखिए मैंने आपको कहा आपको घबराना नहीं है जो मैं कह रहा हूं आप आराम से खाली पांच मिनट देखिए आप यहां पे ठीक है एक मिनट रुक जाइए दूसरा नंबर ले ले क्या कोई कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं ना रुक जाइए 120 पे तो आप ही गए हैं एक मिनट रुक जाइए मैं दूसरा नंबर कोई ले लेता हूं पच्चीस सौ लेता हूं रुक जाइए अब ध्यान से देखिए मैंने पूछा यहां ध्यान देखना नंबर लिया मैंने पूछा 2500 के 2500 के कुल गुणनखंड बताओ कुल गुणनखंड कुल गुणनखंड बताओ टोटल फैक्टर्स टोटल फैक्टर्स ध्यान से समझना टोटल फैक्टर्स मैंने पूछा 2500 के टोटल फैक्टर्स बताओ देखो तो पहले 2500 को तोड़ो तो 50 गुने पचास फिर क्या लिख सकते हैं इसको पचास गुने पचास क्या लिख सकते हैं इसको फिर पचास गुने पचास को लिख सकते हैं इसको तोड़ दूँ मैंने दस गुने पाँच फिर इसको भी क्या लिख सकते हैं दस गुने पाँच आ एक आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जो एल्शियम टाइप बोला वैसे भी कर सकते हैं फिर इसको क्या लिख सकते हैं दो गुने पाँच दस को ऑलरेडी फिर पाँच है यहाँ पे फिर दस को दो गुने पाँच और फिर यहाँ ऑलरेडी पाँच है ये तोड़ दिया हमने अब दो का पावर कितना हो गया एक दो दो का पावर दो और यहाँ क्या हो गया पांच का पावर एक दो तीन चार पांच का पावर चार यहाँ तो हो गया तोड़ दिया हमने तोड़ा है आपको दिक्कत हो आप ऐसे भी कर सकते हैं एक ही चीज़ है जैसे फटाफट फटाफट करके आप ऐसे भी कर सकते हैं इसमें थोड़ा क्या होता है अलग से नहीं लिखना पड़ता यही दो स्टेप तीन स्टेप में टूट जाता है अब देखिए आपको क्या पूछा है टोटल गुणनखंड टोटल में क्या करेंगे इसमें एक जोड़ दीजिए इसमें एक जोड़िए दो एक तीन इसमें भी एक जोड़ दीजिए कितना हो गया चार एक पांच कितना हो गया पंद्रह टोटल कितने फैक्टर्स हैं इसके अंदर पंद्रह अब इसी का योग पूछता सम पूछता योग इसी का योग बताओ क्या होगा टोटल गुण का तो क्या करेंगे यहां पे दो का पावर जीरो दो का पावर एक दो का पावर दो दो तक है ना दो का पावर दो दो तक फिर गुने पांच का पावर जीरो पांच का पावर एक पांच का पावर दो पांच का पावर तीन पांच का पावर चार हो गया अब इसको आप सॉल्व कर देंगे निकल गया ये क्या था ये क्या था सम अति खंड इवेन मतलब टोटल गुणनखंड अब मैंने आपको पूछा पहला क्वेश्चन अब मैंने आपको पूछा 2500 के समगुणनखंड बताओ समगुणनखंड रुक जाना मैं तीनों एक ही साथ लिखता हूं सम बताओ इवेन मल्टीप्लाइज तो पच्चीस सौ को तोड़ो देखो डायरेक्ट में लिख दू पच्चीस सौ को तोड़ते हैं दो का पावर चार आस्टि दो का पावर दो दो का पावर दो और पांच का पावर चार मैं डायरेक्ट लिख दिया अब आपको क्या पूछ रहा है सम गुण खंड सम गुरन्खन बताओ तो सम में क्या करोगे इसमें एक नहीं जोड़ोगे ये दो ही रहेगा ये दो ही रहेगा इसमें एक जोड़ दोगे तो चार आ एक पांच इसमें एक जोड़ोगे आप इसमें एक नहीं जोड़ोगे इसमें एक आप नहीं जोड़ोगे ठीक है एक इसमें नहीं जोड़ोगे तो चार आ एक पांच कितना हो गया पांच दुनी दस अब इसका योग पूछता मान लीजिए इसी का पूछता योग बताओ सम बताओ तो क्या करते इसमें इसमें क्योंकि इसमें दो ही लिए हो आप तो कौन सा नहीं लोगे जीरो वाला नहीं लोगे टू का पावर वन टू का पावर टू मल्टीप्लाई फिर इसमें ये जैसे ये पूरा लिए हो ना सेम इसमें भी यही आएगा पांच का पावर जीरो पांच का पावर एक पांच का पावर दो पांच का पावर तीन पांच का पावर चार ये क्या हो गया आपका सॉल्व कर दो ये हो गया सम गुण अब आपको पूछता पच्चीस सौ के विषम गुणनखंड बताओ गुणनखंड ऑड ऑड बताओ तो ऑड का क्या लेते पहले फैक्टर तो फैक्टर तोड़ो तो लोगों क्या आएगा दो का पावर दो और पांच का पावर चार तो ऑड में क्या करना है यह वाला पार्ट आपको लेना ही नहीं है ऑड में क्या करना है आपको यह वाला पार्ट आपको लेना ही नहीं इसको छांट दो आपको क्या लेना है सिर्फ पांच का पावर चार इसमें एक जोड़ दो तो चार आएक तो कितने फैक्टर होंगे पांच इसी का योग पूछता इसी को क्या ले लेते पांच का पावर जीरो पांच का पावर एक पांच का पावर दो पांच का पावर तीन पांच का पावर चार अब आप मुझे बताओ देखो पूरा मैंने लिख दिया है एक साथ एक क्वेश्चन में सारा वर्जन मैंने डाल दिया है अब आप देखो आपको कहां दिक्कत है बताओ आप मुझे देखो अब आप देखो, आप देखो आप देखना चाहते हो देखो अब आप एक चीज गौर करना चाहते हो ना आप समझना एक चीज और आप सीखना चाहते हो ना तो मैं आपको सिखाता हूं

टोटल में देखो यहां पे इसमें देख लो इसमें देख लो मैंने ओके कर दिया अब बताओ क्या दिक्कत है टॉपिक कंप्लीट है मैं यहीं तक रखूंगा फुल टॉपिक था ये अच्छा एक चीज बताइए अभी मैं थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाऊं जैसे नेक्स्ट वीक में मैं पांच क्लासेस कर दूं कि अभी तीन तक ही रहने दे बाद में इसको धराएंगे जैसे अभी आपकी क्लास हफ्ते में तीन दिन लगती है मैथ की एमडब्ल्यू तो क्या मैं इसको फाइव डेज कर दूं मंडे टू फ्राइडे कर दूं नेक्स्ट वीक आप बताओ मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा कि अभी स्टार्टिंग है धीरे धीरे चलने थे बाद में रफ्तार बढ़ाएंगे जैसा कहो पहले इसको क्लियर करो आप नोट कर लो बढ़िया से मैं टाइम देता हूं डोंट वरी अब पहले आप लोग नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पूरा पढ़िए जब ये मैं कंप्लीट कर दूंगा मैं बोला हूँ अट्ठारह से लगेंगे अठारह बीस से। उसके बाद मैं आपको दो तीन टेस्ट लूँगा हाँ पूरा पढ़ के आइएगा और उसमें एकदम जो प्रीवियस सर के क्वेश्चन हैं सारा मैं यहाँ लाऊंगा अब उसको बना लीजिएगा ठीक है टेस्ट धीरे धीरे चलेंगे ये फाइव का पावर वन है ये प्लस है फोर मत समझ लेना ये फाइव का पावर जीरो फाइव का पावर वन है ये वन फाइव का पावर वन प्लस फाइव का पावर टू ओके okay है नोट कर लिए हैं क्लियर हो गया है फुल टॉपिक है पूरा प्राइम नंबर पूरा टॉपिक कंप्लीट है गुणनखंड समझे कितने तरीके होते हैं फैक्टर कितने होते हैं है चार टाइप के होते हैं फैक्टर एक होता है आभाज गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स एक होता है गुणनखंड टोटल प्राइम फैक्टर्स एक क्या होता है सम फैक्टर इवेंट फैक्टर्स एक क्या होता है विषम फैक्टर ऑड फैक्टर्स क्लियर है इसमें और भी होता है लेकिन आपको उतना इतना था आपको बता दिया हूं हाँ प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस खूब करें वही तो बोला हूं एक ऐसी कॉपी बना लेना जिसमें आपको क्या करना है खाली क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लेना एक कॉपी ऐसी बनाना जिसमें क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन लिखना और जो ये क्वेश्चन दिया हूं इसी को बार बार बनाना अपने मन से रगड़ना इसको प्रैक्टिस सेट तो मैं दे ही दूंगा वो तो मैं दे ही रहा हूं आपको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप जो है क्लास नोट बेस्ट है मैं कह रहा हूं मैं क्लास अगर आप मेरे क्लास अगर जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा क्लास के अंदर ना अगर इस पूरे क्लास के एक एक वीडियो को अगर आप समझ गए ना कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यही असली चीज़ है बाकी आपको टाइम मिलता है तो प्रैक्टिस सेट बनाओ वो तो मैं दे ही रहा हूं नुकसान थोड़ी करेगा लेकिन पहले क्लास नोट बना लेना ये पहले बनाओ बढ़िया से ये ओरिजिनल है ये क्रीम चीज है आपका बाकी वो एक्स्ट्रा है वो आप बनाओ चाहे नहीं बनाओ ये आपका बेस्ट है बहुत मैथ पढ़ना है बाकी घबराइए मत तो बुद्धि से काम कीजिए और रीजनिंग भी तो पढ़ना है जीके जी भी तो पढ़ना है ना तो मैं बता दिया हूँ भाई एक्सपर्ट टीचर से पढ़ना आजकल एजुकेशन व्यापार है तो हायर टीचर से कभी मत पढ़िए जो टीचर एक्सपर्ट है आज के डेट में अगर तो आप एक्सपर्ट से नहीं पढ़ेंगे ना कहीं का नहीं रहेंगे ठग लेगा बर्बाद कर देगा आपको बात पैसे की नहीं होती है पाँच सात सौ हज़ार रुपये की बात है फ्यूचर का टाइम ख़राब करेगा आपका फ्यूचर बर्बाद कर देगा उस टीचर से पढ़िए जो महारत है एक्सपर्ट है उससे हमेशा पढ़िए हायर टीचर से मत पढ़िए आज कंपनी बना दी है एजुकेशन को उस सब मत पढ़िए जो सिंगल सिंगल पढ़िए जो टीचर जिसका एक्सपर्ट है उससे पढ़िए क्लियर है चलिए ये आपका फुल टॉपिक था फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आ, मंडे को ठीक है जी अब नेक्स्ट वीक में चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट वीक को मंडे को अगर आप लोग कहोगे तो पूरा मंडे टू फ्राइडे कर देंगे नेक्स्ट वीक में फाइव क्लासेज में लगातार दूंगा अगर कहोगे नहीं सर स्टार्टिंग अभी धीरे धीरे चलते हैं तो धीरे धीरे चलेंगे वो हम मंडे को भी चर्चा कर लेंगे ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपने और अपनों का ख्याल रखें और तीन चीज़ का सम्मान करें जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान